नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह आपका फिटनेस कोच आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने नया और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूँ, काफी टाइम से मैं इनएक्टिव रहा। उसका दोस्तों एक खास रीजन था। अभी रिसेंटली आपको सबको एक गुड न्यूज देनी है। अभी रिसेंटली मैंने अपना खुद का जिम ओपन किया है दिल्ली के कृष्णा नगर एरिया में। तो जो भी आपके नियर बाय जो भी दोस्त रहते हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। और आप जानते हैं मैं फर्मली बिलीव करता हूँ सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फिटनेस पे, चाहे वो वेट लॉस हो, वेट गेन हो, आपका फिटनेस को लेकर कोई भी टारगेट हो, आप नेचुरली उसको अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास प्रॉपर एक एजुकेशन हो। मैं अभी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि आजकल हम सप्लीमेंट से घिरे हुए हैं। हर चीज का सप्लीमेंट मार्केट बन चुका है। वेट बढ़ाने का सप्लीमेंट, घटाने का सप्लीमेंट, विटामिन ए का सप्लीमेंट, डी का, जिंक का, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, BCAA, EAA, सैकड़ों सप्लीमेंट है। हम लोग सप्लीमेंट से घिरे हुए हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ एजुकेशन। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को, खासतौर पे आजकल के जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको सप्लीमेंटेशन से ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। अगर प्रॉपर उसके पास एजुकेशन है तो सप्लीमेंट से वो दूर रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं आपके लिए एक ऐसा यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है प्लेटियो। आप कई लोगों के लिए शब्द नया होगा कि प्लेटियो क्या है। दोस्तों पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये प्लेटियो है क्या। दोस्तों प्लेटियो एक ऐसी कंडीशन है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, कोई भी आप वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, कोई भी टारगेट लेके, एक कंडीशन ऐसी आती है जब आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं दिखता। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर वेट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहा है, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहा है डाइट एक्सरसाइज में, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो एफर्ट लगा रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, डाइट भी फॉलो कर रहा है, लेकिन उसका वेट एक जगह पे आके रुक गया जबकि गुंजाइश अभी और है। ऐसे ही अगर कोई इंसान अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए जिम जा रहा है, नहीं बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है डाइट एक्सरसाइज में, लेकिन एक जगह पे उसका आगे साइज रुक गया, अब वो ग्रो नहीं कर रहा जबकि गुंजाइश और है। दोस्तों मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, गुंजाइश और है, उसके बावजूद आप एक कंडीशन में आके रुक गए। उसी कंडीशन को हम प्लेटियो करते हैं, प्लेटियो कहते हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन, यानी ग्रो नहीं हो रहा। तो दोस्तों आज मैं इसके कारण बताऊंगा। इसके सिर्फ दो कारण होते हैं। दोस्तों जब भी आप फिटनेस में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे आपका टारगेट कोई भी हो, तो आप दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। एक आपका डाइट पे और दूसरा आप करते हैं एक्सरसाइज पे। तो जाहिर सी बात है अगर हमारी किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो इन्हीं दो में से कुछ ना कुछ लैकिंग हुई, उसी वजह से हम अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है डाइट और एक्सरसाइज में, वो है सिमिलैरिटीज। हम काफी टाइम से अगर एक ही डाइट को फॉलो कर रहे हैं या एक ही एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, बॉडी यूज टू हो जाता है। और जहां आप अपने बॉडी को अपने यूज टू किया, इसका मतलब आप अपनी ग्रोथ को खुद किल कर रहे हैं। तो ये दो कैसे, अब जैसे फॉर द एग्जांपल अगर कोई आदमी बॉडी बिल्डिंग करता है, कोई यंगस्टर बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, तो उसमें बॉडी बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जिसको हम मान के चलते हैं, वो है प्रोटीन। लेकिन यहां ये जानना जरूरी है कि प्रोटीन अपने आप में कंप्लीट वर्ड नहीं है। रीजन, क्योंकि प्रोटीन बॉडी के अंदर जब डाइजेस्ट होता है, बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड्स के अंदर। ये मैं कई वीडियोस में अपने बता चुका हूँ, थोड़ा मैं इसमें ब्रीफली बताता हूँ। हमें हमारी बॉडी को टोटल 22 तरह के एमिनो एसिड चाहिए होते हैं कंप्लीट ग्रोथ के लिए, जिसमें आपके जो 9 होते हैं वो एसेंशियल होते हैं और 13 आपके नॉन एसेंशियल होते हैं। तो अगर कोई इंसान बॉडी बिल्डिंग करने के लिए प्रोटीन लेता है, नेचुरली की बात कर रहा हूं मैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने प्रोटीन सोर्सेस को बदलते रहना है। क्यों? क्योंकि हर प्रोटीन, जिस कोई भी खाने वाली चीज जिसमें प्रोटीन है, हर प्रोटीन बॉडी के अंदर एक अलग तरह का एमिनो एसिड बनाता है और हर एमिनो एसिड अलग अलग चीजों में अलग अलग क्वांटिटी में मिलते हैं। टोटल आपकी बॉडी के अंदर 9 तरह के एसेंशियल एमिनो एसिड चाहिए होते हैं, जैसे आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन, लाइसिन, वेलिन, हिस्टिडिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलेनिन। ये टोटल 9 तरह के एमिनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं कंप्लीट मसल ग्रोथ के लिए। तो अगर आप प्रोटीन सोर्स सेम रखते हैं तो यानी कि सेम ही तरह के एमिनो एसिड आपकी बॉडी में डेली जा रहे हैं, जबकि कंप्लीट ग्रोथ के लिए आपके 9 के 9 जो एमिनो एसिड हैं वो प्रॉपर रेशियो में आपकी बॉडी के अंदर जाने चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपके प्रोटीन सोर्सेस आपको बदलते रहने हैं या घटाते बढ़ाते रहने हैं, ताकि आपको सभी तरह के जो एमिनो एसिड हैं वो प्रॉपर रेशियो में आपकी बॉडी में जाते रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी अगर कोई वेट लॉस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है और एक वक्त आपको उसकी बॉडी रुक गई है, तो इसका मतलब जिस डाइट को वो फॉलो कर रहा है उससे जितने रिजल्ट मिलने थे वो मिल चुके हैं। अब आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा जिससे आप रिजल्ट को आगे ले जा पाए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के लिए। दोस्तों इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा लेवल ऑफ एक्सरसाइज। इस पर मैंने, आपको याद होगा, मैंने इस पर 6 वीडियो बनाई थी, क्योंकि इसमें मैंने 30 से ज्यादा
लेवल बताए थे और हर वीडियो में 5 से 6 लेवल मैंने कवर किए थे। लेवल ऑफ एक्सरसाइज का मतलब होता है अपने एक्सरसाइज के लेवल को अपग्रेड करना। दोस्तों इसमें दो शब्द हैं, एक होता है वेरिएशन और एक होता है लेवल, दोनों में बड़ा फर्क है। वेरिएशन का मतलब होता है एक्सरसाइज के रूट जो सीक्वेंस है उसको बदल बदल के करना, और लेवल होता है अपने इंटेंसिटी लेवल को बढ़ाना। टोटल मैंने 30 लेवल इसमें डिस्कस किए थे, तो आप उनको जाके जरूर देखें, अपने एक्सरसाइज को लेवल को अपग्रेड करें, अपनी इंटेंसिटी के जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का जो नियम है उसको फॉलो करें, तो आपको एक्सरसाइज के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना है एक्सरसाइज में। अगर आप ये बिल्कुल वैसे ही होता है, अगर कोई बच्चा फर्स्ट में है तो वो सेकंड में भी जाएगा, थर्ड में भी जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर कोई बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है और वो 10th को ही बार बार पढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, उसके एक जगह से ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी मेंटल ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि उसको 10th से 11th में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th उसका इंतजार कर रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज, इसमें आपको वैरायटीज लानी है, इंटेंसिटी बढ़ानी है, खासतौर पर एक्सरसाइज के अंदर, तो ये 30 लेवल को फॉलो कीजिए। तो आप चेक कीजिए उन 30 लेवल को, वीडियो को जरूर देखिए, और आप जिस भी लेवल पे उसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं काफी टाइम से, आपको उस लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारी बॉडी को साइंटिफिकली 21 दिन का टाइम लगता है किसी चीज को हैबिचुअल होने में, तो हर 3 हफ्ते में, ये डिपेंड करेगा जिस ट्रेनर के अंदर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आपको बता सकता है कि आपकी जो बॉडी है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। देखिए ट्रेनिंग भी हर किसी की जो इंटेंसिटी लेवल होता है अलग अलग होती है, तो आपको ये चेक करना है कि आप किस लेवल पे अभी हैं, 30 लेवल में चेक कीजिए किस लेवल पे हैं, और जिस भी लेवल में है उसके एक लेवल अप आपको करना है, और हर 21 दिन में उस लेवल को अपग्रेड जरूर करें, तो फिर देखिएगा आप बहुत जबरदस्त चेंजेस। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरी कोई भी बताई हुई चीज ट्रायल बेस पे नहीं है, ये सारी चीज प्रूवन है। पिछले 18 सालों में मैंने सैकड़ों लोगों पे इन चीजों को फायदा उनको दिया है इन चीजों पे, तो आप भी इनको अगर फॉलो करेंगे तो आपको 101% बेनिफिट होगा, क्योंकि इनमें कोई भी चीज ट्रायल बेस पे नहीं है, सारी ट्रस्टेड चीजें और हो चुकी ऐसी चीजें। तो आप इन दोनों चीजों में जब आप वेरिएशन लाएंगे तो डेफिनेटली मेरे को पूरा भरोसा है कि आप जिस भी लेवल पे हैं, चाहे वो आप वेट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप वेट गेन प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप मसल गेन प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो आप इन दो चीजों में जरूर बदलाव लाएं, वेरिएशन लाएं, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाएं, डाइट में बदलते रहें, ताकि आपको हर तरह का न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं एंड करता हूं, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और लास्ट में एक अपील मैं आपसे करना चाहता हूं जो मैं हमेशा करता हूं, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा लोगों तक पता चले कि आपकी जो सही इन्फॉर्मेशन है उसके लोगों तक पहुंचना कितना जरूरी है। तो दोस्तों बहुत जल्द मैं मिलता हूं अपनी नई वीडियो के साथ, बाय फ्रेंड्स।